रिसेंटली मैंने एक मैकबुक प्रो देखा था, मैं परचेज करने का सोचा अभी अपने बजट में फिट आ रहा था जैसे जैसे करके, बट मैं सोच के दिक्कत वाली बात होगी। तो कुछ साल पहले वाला मैं, अगर ये सारी की सारी चीज मेरे पास उस वक्त होती जो मेरे पास अभी है, तो अजीज बिल्ली के बच्चे के लिए हमें लाया था डब्बा, उससे ज्यादा ये वाली बिल्ली का बच्चा इसके अंदर रहता है। यहाँ पे पानी पीने के लिए मोटिवेशन लिखा है, क्या आपको पानी पीने के लिए मोटिवेशन चाहिए? वेल इट्स मंडे मॉर्निंग टुडे, लास्ट वॉक में आप जो टावर देखने क्लियरली दिखाई दे रहे थे, बट दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अभी आप देख सकते हो, इवन ये भी आप देखो। हो सकता है कल संडे था जिसकी वजह से यू नो ज्यादा बाहर लोग निकलते हैं, दैट्स व्हाई इतना फॉग नहीं था ऐसा मुझे लगता है, और अभी कोहरा ही कोहरा है। एनीवेज अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय चैनल, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। आज की सुबह सिर्फ हल्की फुल्की धूप निकली, एक्चुअली में मुंबई की कड़ाके पड़ाके वाली बारिश बाकी है, उसके बाद जाकर जो रेनी सीजन है खत्म हो जाता है मुंबई, बाकी दूसरी जगह मुझे पता नहीं। एंडिंग के दिन मेरे गाँव में भी काफी तगड़ी वाली बारिश आती थी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पानी की बॉटल परचेज किया था क्योंकि मुझे कम प्राइस मिल पड़ी थी, एंड आई एम श्योर आपने ये कहीं ना कहीं देखी होगी। तो ना बचपन में हमने एक टिफिन देखा हुआ जहाँ पे एक जो बड़ा टिफिन रहता है उसके अंदर दूसरा टिफिन रहता है, कुछ छोटे टिफिन रहता है, एक और छोटा टिफिन रहता है। तो ये जो बॉटल ये भी सिमिलर ही है, इससे भी एक बड़ी बॉटल आती है, उसके अंदर ये बॉटल आती है, एंड इस बॉटल के अंदर एक और छोटी बॉटल आती है, जिसको जो सेलर है अलग अलग करके बेच रहे फॉर द वेरी गुड प्राइस। आई मीन एक्चुअल में इसका जो पूरी बॉटल का सेट आता है वो चीप पड़ता है अपने को, राजेंद्र आप एक ही बॉटल परचेज करते हो तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। एनीवेज दैट्स द पॉइंट, ये आप पढ़ सकते हो भाई यहाँ पे जो बॉटल के ऊपर पानी पीने का टाइमिंग लिखा है, इवन यहाँ पे जो है वो मोटिवेशन भी है, रिमेम्बर योर गोल, कीप चगिंग, डोंट गिव अप, ऑलमोस्ट दैट यू डिड इट, लिटरली भाई पानी के बॉटल के ऊपर ऐसे जो मोटिवेशन लिखा है ना, सोचता हूँ क्या लोगों को जो पानी पीने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। मुझे फनी भी लगा, अजीब भी लगा, क्योंकि ऐसे जो भलती भलती बॉटल्स होती है काफी सेल होती है, ऐसे मुझे भी एक कंपैरिजन मिली जो जिसके लिए मैंने परचेज किया। ये बात सोचा आपने साथ में शेयर करूँ, ये 15-20 रुपए की बॉटल भी अपने लिए इनफ है, ये 15-20 रुपए की बॉटल में पानी स्टोर कर सकते हो, इस वाले बॉटल में पानी स्टोर कर सकते हो। लेकिन फिर बात जो है मोटिवेशन यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज सेफ वॉटर, एंड यहाँ पे पानी पीने के लिए मोटिवेशन लिखा है, क्या आपको पानी पीने के लिए मोटिवेशन चाहिए? आप ये बॉटल परचेज कर सकते हो, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ऑनलाइन में भी एंड ऑफलाइन में भी ये बॉटल काफी अच्छे खासे महंगे प्राइस पे मिलते हैं, उससे अच्छा मस्त बीएमसी का पानी पियो। एंड अपने बीएमसी के पानी के एक लेयर ऊपर आता है मिनरल वाटर, जिसको आसान शब्द में कहते हैं बिस्तरी का पानी। बारिश आने के चांसेस है डेफिनेटली, लास्ट वाला सीजन है, इसी भी आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी मैंने केस परचेज किया हूँ। इसका भी एक हैक है, अभी के टाइम पे लोग ज्यादा व्लॉग करते हैं स्मार्टफोन से, और ऐसा मैंने करते हुए देखा हूँ, ऐसा जो मिरर टाइप के जो बैक कवर आते हैं, मैं जब अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, जब अपने मोबाइल के बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसको ना अपने फ्रेम देखने में बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि मैं पीछे जाने का स्क्रीन है नहीं, तो आप यहाँ पे अपने फेस वगैरह देख सकते हो, इवन आप जो मेरा फोन भी देख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी काफी लोग हैक यूज करते हैं कि भाई बैक कैम से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो इस तरीके से, तो यहाँ पे अपने पास ये मिरर का मिरर भी हो कि अपना वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, अपने को दिख भी रहा है पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं, खुश रहा जरूरत में जारी, आई डोंट आपको पता होगा या नहीं, बट ना भी गैस में इसी बात पे सब्सक्राइब करो। और अभी का माहौल आप देखो, साफ सीधी कड़क धूप निकली है, से क्या ही मस्त व्यू आता होगा यार। तो कुछ साल पहले वाला मैं, अगर ये सारी की सारी चीज मेरे पास उस वक्त होती जो मेरे पास अभी है, आई विल गो डेफिनेटली क्रेजी। हाँ तो भाई मैं ये बात कर रहा था, अगर कुछ साल पहले वाला मैं अगर ये सारी की सारी चीजें देखता उस वक्त, पहले भाई मुझे गेमिंग का भी फुल टू शौक था, उस वक्त मेरे पास कोई डिवाइस वगैरह नहीं रहता था, तो यू नो एक थॉट प्रोसेस हम सबके माइंड में ऐसा होता होगा कि काश अपने पास जो डिवाइस होगा जिसमें गेमिंग वगैरह कर सकते थे, जो पे भी 20 से ऊपर है मेरे पास से रिलेट कर पा रहे, अभी ये सारी की सारी चीजें देख के जहाँ पे मैं गेमिंग भी कर सकता हूँ, मूवीज भी देख सकता हूँ, अभी मुझे 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है गेमिंग में भी मूवीज में भी, और ये कभी कभी चीजें देखने में रहती थी। देखिए भाई एक टाइम था जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें को मैं काफ़ी तगड़ी तरीके से यूटिलाइज करता यूज़ करता, लेकिन अभी के टाइम पर ऐसा है कि भाई मैं एडिंग के लिए अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ, उसके अलावा मैं अपना लैपटॉप ऑन नहीं करता हूँ, इवन इसके अंदर मैंने एक दो गेम भी इंस्टॉल किया था जिसको मैंने खेला नहीं, बाद में मैं इसको अनइंस्टॉल कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, इवन आई कैन वॉच मूवीज ऑन माई आईपैड
ना ही तो शौक खराब नहीं हो। अगर आप में से भी कोई मेज रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं चाहता तो उस वक्त भी मेरे पास ये सारी चीज़ें हो सकती थी, मैं से कोई ने बाद में ले ली, लेकिन अभी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। एनीवेज भाई मैं खाने पे रेडी हो चुका हूं, अपने खाने में है आलू के पराठे। भाई फेयरली धूप थी, अच्छी खाली धूप थी, ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था। भाई खाना खा के अपना हो गया और ये आप देखो, ये मैं कीबोर्ड इसका मैं रोज साफ करता हूँ, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो अच्छी खाते मिट्टी जमा हो जाते हैं। हमने लैपटॉप का एक जितनी सारी चीज़ें मेरे टेबल पे इसका मैं रोज क्लीन करता हूँ एंड उसके बावजूद पूरा मिट्टी जो है वो चिपक ही जाती है, तो इसको पोछने में अलग अपना टाइम चला जाए। वैसे हमें व्लॉग एडिट करने बैठा था, एक प्रोजेक्ट भी है जो भी एडिट करना है। लास्ट वॉक में वही जब हमने देखा था पहले जब अपना 2017 में आप सभी का दिल से शुक्रिया। अरे हाँ 2017 के मैं सोच रहा हूँ, जिनसे शुक्रिया आप सभी लोगों का। इंशाल्लाह भाई मेहनत में कभी कमी नहीं होगी एंड वे टू गो। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक मैकबुक प्रो देखा था, मैं परचेज करने का सोचा अभी अपने बजट में फिट आ रहा था जैसे जैसे करके, बट मैं इसके अंदर डिफेल वाली बात होगी वो बाद में आपसे नेक्स्ट वॉक में शेयर करूँगा। जब तक मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ तब तक आप जाके मस्त टाइम में एंजॉय करो। कहाँ का निकालो बजट तो है नहीं, चलो कोई नहीं, जे फ्लाईओवर के देख लो। देखने में तो बहुत ज़्यादा ईजी लगती है, लेकिन इसको बनाने के पीछे जो मेहनत लगती है वो जो ज़्यादा कोई क्लियर दिखाता नहीं है। अब देखो जब इसके पहले टाइम लग देगा इस तरीके से मैंने उसको रिकॉर्ड किया, मैं व्हील के बाहर लिखते भी मैंने मोबाइल ऐसे ज़्यादा क्रिएटर ऐसा दिखाते नहीं है जो कि लोग भी जो दिखा नहीं चाहते। जब भी आपको यूट्यूब पे वीडियो देखा हो चाहे वो किसी भी क्रिएटर का हो, इसके लाइक बटन, क्योंकि वो जो कुछ मिनट के अंदर वीडियो देखते हैं उसको बनाने में पहले उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने में उसका एडिट करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती है। लाइक करने के सब्सक्राइब करने के अपने को पैसे नहीं मिलता, मेरे पैसे तो चले नहीं होते, सब्सक्राइबर अकाउंट से लाइक के बाद क्रिएटर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जिससे वीडियो बनाने के लिए। अपनी भी बात करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अपलोड हो जाए इसके बाद मेरा एक प्रोजेक्ट उसको मुझे एडिट करना है। हाँ तो भाई रिसेंटली आपको पता होगा हम एक छोटी सी किटन का बच्चा जो पालने का सोचे थे, उस बिल्ली के बच्चे के लिए एक छोटी सी नहीं बड़ी सी बास्केट लाए ताकि वो इसमें बैठ सके आराम से। बास्केट इसके आप साइज देखो अच्छा, अगर इसमें बड़ा बिल्ला भी रह सकता है। देखो हुआ कुछ ऐसा, जिस बिल्ली के लिए हमें लाए थे, जिस बिल्ली के बच्चे के लिए हमें लाए थे जो कि आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया था, वो छोटा बिल्ली का बच्चा इस डिब्बे में से बार बार जो बाहर निकल जा रहा था डिब्बे का ढक्कन खोल के, लिटरली अभी ना पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्ली का बच्चा तो आपको दिखाता हूँ, ये है वो बिल्ली का बच्चा अभी अंदर आ जाएगी देखो, और एक और सेम टू सेम बिल्ली का बच्चा। अभी जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे मैं चाली में घूम रहा था तो ये भी अपने घर में घूम गया था। तो जिस बिल्ली के बच्चे के लिए हमने लाया था डब्बा उससे ज़्यादा ये वाले बिल्ली का बच्चा इसके अंदर रहता है, लेकिन इसका पैटर्न अलग है देखो, यानी थोड़ी साइज से इससे बड़ी है। ये रही वो बिल्ली जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, टॉमी मुफाजा कर देना क्या बात है। और जब चल चल के दूसरी बिल्ली कहाँ पर आ गई, तो ये एक और ये दूसरी, ये वाली अपनी वाली बिल्ली वंस अगेन, ये जो दूसरे 2-3 दिन पहले आई थी वाली बिल्ली है, ये वाली बिल्ली उससे थोड़ी बड़ी है साइज में। तो ये सीन मुझे आपको कब से दिखाना था, लिटरली टाइम ही मिल पा रहा है कोई भी चीज़ का, एंड ना तो व्लॉग का एडिट करने का टाइम मिल पा रहा है, मैं सिर्फ शूट कर रहा हूँ। एनीवेज फिलहाल के शौक को मैं कहता हूँ ये भी साहब, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी फॉर मोर अपडेट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फॉलो करो मुझे वहाँ पे फॉर मोर अपडेट्स। और बाकी अगर आप टाइम दिखाओ अभी रात के बजे सर 12:26, शुक्रिया इस वीडियो इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडे, नेवर गिव अप, मिलता हूं आपको बच्चे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम and peace out, good night. So I wanna say alhamdulillah, God gave me everything.